हेलो स्टूडेंट्स आई होप द डे डेटिंग यू वेल माय नेम इज आयुषी और आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्व की यूनिट फोर वैक्टर इन थ्री डायमेंशनल थ्योरी इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हमारा सेकेंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल जोमेट्री जिसको आप हिंदी में कहेंगे थ्री विमेल ज्यामिति का परिचय तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन तो सबसे पहले आज की हेडिंग बनाएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एंड इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म को हम हिंदी में कहते हैं अंत्य खंड रूप तो यहां पर समतल के समीकरण का खंड रूप क्या होता है सबसे पहले बात करेंगे इस वर्ड की इंटरसेप्ट फॉर्म ये तो आप जानते ही इंटरसेप्ट क्या होता है लेट अस सपोज कि हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस हैं और अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेट अस सपोज पी पॉइंट पर कोई पॉइंट कट करता है देन हम कहेंगे वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट कट करता है एंड जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट हमारा आर कट करता है तो तो 3D के अंदर हमारे एक्स वाई जेड के टर्म्स में होंगे इट मीन यहां पर डिस्टेंस चलेंगे ए जीरो जीरो इट मीन एक्स एक्सिस पर कितना चला है हमने ए डिस्टेंस एंड देन वाई एक्सिस पर हम चलेंगे जीरो बी जीरो एंड आर पर 0, 0, c. z-axis z-axis है पर पर हम कितना तो यहां पर x भी जीरो होगा y भी जीरो होगा एंड हम बात करें अगर यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म की तो हमारे पास होगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू वन एंड यही आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है जिससे रिलेटेड बहुत सारे पर आपका कोई भी कॉफी नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर यहाँ पर कोई कॉफी दिखता है तो आप क्या करेंगे इसे नीचे लेके आएंगे और ए के पास इसकी ए की वैल्यू को वहां पर मॉडिफाई करेंगे एंड सिमिलरली वाई पर आप देख रहे हैं y का जो कोफिशिएंट है वो 1/b है तो y का कोफिशिएंट ऑलवेज 1/b की टर्म में ही होना चाहिए सिमिलरली z का कोफिशिएंट 1/c की टर्म में होना चाहिए और रिजल्टेंट आपको मिलता है x/a y/b z/c 1 अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन अब यहां पर क्या करना है मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेन है फर्स्ट प्लेन एंड सेकेंड प्लेन इन दोनों प्लेन्स का जो इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन कहा होगा ये दो प्लेन्स हैं, तो यहां पर इंटरसेक्शन होगा अगर यहां पर इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है और इसी से एक प्लेन पास हो रहा है इट स कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर कोई तीसरा प्लेन कोई डिफरेंट प्लेन पास होता है तो उसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है इसके अंदर बिकॉज पर आप देखिए क्या करना है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि फर्स्ट अगर हमारे पास, पास पाई वन है प्लेन सेकेंड इज पाई टू प्लेन है दो डिफरेंट प्लेन है एंड थर्ड उनके इंटरसेक्शन पर पाई थ्री हमें मिल रहा है और इसी प्लेन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है तो यहाँ पर क्या मानेंगे सबसे पहले हम कहेंगे कि हमारे पास लेटर सपोज कि जो वैक्टर फॉर्म होगी उसके अंदर हमारी फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन जो है वो आर वैक्टर डॉट एन वन वैक्टर इक्वल टू तो डी वन रिमेम्बर कीजिए आपने क्या पढ़ा था किसी भी प्लेन की इक्वेशन राइट तो अगर हम फर्स्ट प्लेन की बात कर रहे हैं तो हम एन वन एंड डी वन का यूज कर रहे हैं अगर हम सेकेंड प्लेन की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे एन टू एंड डी टू का यूज करेंगे और सिमिलरली आपका आ गया आर वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर इक्वल टू डी टू अब हमने कहा कि हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट था और इससे थर्ड जा रहा है थर्ड प्लेन का इक्वेशन क्या होगी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा आर आफ्टर डॉट एन वन प्लस लेमडा एम टू इक्वल्स टू डी वन प्लस लेमडा डी टू राइट right? तो यहां पर आपका रिजल्टेंट आपको मिलता है जहां पर एन वन और एन टू दोनों ही एड हो रहे हैं इट मीन एन वन प्लस एन टू बिकॉज यहां पर आप देख रहे हैं लेमडा क्या है एक रियल नंबर हो सकता है एंड सिमिलरली डी वन प्लस लेमडा डी टू और राइट तो अब हम कहेंगे हमारे पास ये क्या है एक वैक्टर फॉर्म है अगर बात करें कार्टेशियन फॉर्म की तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है कोऑर्डिनेट्स की टर्म में बात करेंगे और कोऑर्डिनेट्स में होते हैं एक्स वाई एंड सेट तो यहां पर हमने क्या किया एन वन जो वैक्टर था उसको हमने ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप सपोज किया है एंड एन टू वैक्टर को हमने ए टू आई सपोज किया है अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे यहां पर पुट करेंगे ठीक है तो इन दोनों वैल्यूज को जैसे ही आप पुट करेंगे आपका रिजल्टेंट क्या आएगा दिस वन क्या होगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड माइनस डी वन बिकॉज जब आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो जो D1 ये जो डी वन एंड डी टू वैल्यूज हैं, ये लेमडा वाली लेमडा के साथ जाएगी और बिना लेमडा वाली बिना लेमडा वाली के साथ जाएगी तो यहाँ पर माइनस डी वन हमारे आ, इस वाली टर्म के साथ है एंड लेमडा में हमारा माइनस डी टू हो रहा है तो यहाँ पर आपको रिजल्टेंट मिला ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड माइनस डी वन प्लस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड माइनस टू टू जीरो एंड ये रिजल्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कब है जब आपका कोई भी थर्ड प्लेन आपके दो इंटरसेक्शन प्लेन के से पास हो रहा है ठीक है तो यहां पर आपका रिजल्टेंट मिला है ये एंड देन ये वैक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे एंड जब कार्टेशियन फॉर्म्स की बात करेंगे तो ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे अब हम कहते हैं कि इससे आगे हमारा टॉपिक है हमारे पास अगर को प्लैनेरिटी आती है तो सबसे पहले बनाते हैं हेडिंग है को प्लैनेरिटी ऑफ टू लाइन प्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस जिसको हम हिंदी में कहेंगे दो रेखाओं का सहतलीय होना

या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं राइट लाइंस के केस में आपने पढ़ा था कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है r वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b और यहाँ पर अगर दो लाइंस ले रहे हैं तो a1 एंड b1 ऐड करेंगे एंड सिमिलरली सेकेंड लाइन के लिए a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर एंड यहाँ पर लैम्डा एंड म्यू आर रियल नंबर्स हैं ऑल राइट यहां पर हमारे पास दो लाइंस हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा इन वैक्टर फॉर्म इन वैक्टर फॉर्म हम कहेंगे ए टू माइनस ए वन इटमीन्स ए टू वैक्टर माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू एंड ये वेक्टर लगाना बिल्कुल ना भूलें तो ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर डॉट बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर इक्वल्स टू जीरो Clear? अब हम कहते हैं वैक्टर फॉर्म की बात हो गई अब बात करेंगे हमारी कार्टिशियन फॉर्म की तो कार्टिशियन फॉर्म के अंदर कार्टिशियन फॉर्म के अंदर आपके एक्स वाई जेड इंक्लूड होंगे तो हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू ये डेटोमेंट वैल्यू के अंदर हमने अरेंज किए एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन उसके बाद हमने ये जो बी वन एंड बी टू थे ये क्या थी ये हमारे पास पैरेलल लाइंस थी और पैरेलल लाइंस के जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोस थे वो क्या है a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 तो हमने a1 b1 c1 सबसे पहले अरेंज किए रो में एंड a2 b2 c2 को अरेंज किया है तो यहाँ पर आपके पास जो कार्टेशियन फॉर्म का रिजल्टेंट मिलता है वो x2 x1 y2 y1 z2 z1 अपॉन हमारे जो डायरेक्शन रेशियोस हैं उनको हमने रेंज किया है फर्स्ट लाइन के लिए एंड सेकेंड लाइन के लिए ओके okay? तो यहाँ पर आपका रिजल्टेंट दोनों ही तरीके से आपके पास मिलते हैं वैक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी अब हम कहते हैं कि हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो चेक करते हैं और उनके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्लेन आपको दिया गया है क्या है टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू फाइव और द्वारा कटे गए अंत्य खंडों को आपको फाइंड करना है इट मीन क्या फाइंड करना है इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है इंटरसेप्ट फॉर्म अगर हम बात करें इंटरसेप्ट फॉर्म की तो इंटरसेप्ट फॉर्म हम जानते हैं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू वन है एंड यहां पर हमने कहा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी के टर्म्स में हमें करने के लिए क्या करना होगा यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर वन है तो हमें वन बनाना होगा फाइव की जगह तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू फाइव आप पूरी इक्वेशन में क्या कर देंगे दोनों तरफ पांच से डिवाइड करने पर या भाग करने पर तो टू अपॉन फाइव एक्स प्लस वाई अपॉन फाइव माइनस जेड अपॉन फाइव इक्वल्स टू वन ठीक तो हमने क्या किया है फाइव से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन के अंदर यहां पर हमें वन मिल गया ठीक है अब हमें x का जो कॉफिशियट है वो वन अपॉन एक बनाना है इट मीन x के पास वन होना चाहिए और तो अपॉन एक बनाना है तो लिख लिख सकते है, सकते हैं हैं यहाँ पर तो आपको कोई चेंजेस करने ही नहीं है बट यहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं जैसे हमने देखा इंटरसेप्ट फॉर्म प्लस जेड अपॉन सी होता है तो हमें यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लाना होगा तो प्लस जेड अपॉन माइनस फाइव क्वल टू वन अब आपके पास ए बी सी ये क्या थे इंटरसेप्ट थे तो यहां पर हम कहेंगे फाइव अपॉन टू फाइव एंड माइनस फाइव हमारे अंतरखंड ओके तो यहां पर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म मिली और यहां पर इंटरसेप्ट्स मिले सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको एक इक्वेशन दी गई है एंड सेकेंड इक्वेशन आपको दी गई है और कहा गया है कि प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तल इतने के लंबे तल का समीकरण फाइन कीजिए तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशन है अभी हमने फॉर्मुला डिस्कस किया था तो क्या थे हमारे पास फॉर्मले अगर कार्टेशियन फॉर्म आती है तो उसके अंदर अगर कोई पॉइंट उसे इंटरसेक्ट करता है प्रतिच्छेदन रेखा द्वारा किया गया तल तीसरा तो हम क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे जो आपको गिवन है फर्स्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन सेकेंड इज टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इक्वल्स टू फाइव और हमें यहाँ पर तीसरी जो रेखा दी गई है तल दिया गया है इसका हम बाद में यूज करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे इनको हम फॉर्म में लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस लेमडा टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड माइनस के फाइव इक्वल्स टू जीरो क्लियर अब हमने यहां पर जो फॉर्म बनाई है उसके अकॉर्डिंग हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए लेमडा क्या होता है एक रियल नंबर और रियल नंबर हमें कैसे मिलेगा ये जो हमें तीसरा तल दिया गया है एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो इसकी हम हेल्प लेंगे किस तरीके से हम कहेंगे कि हमारे पास x minus y plus z equals to zero है और इसके लिए हमें यहाँ पर x, y, z के जो पॉफिशेंस हैं इनकी हेल्प मिलेगी तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पर जो x दिख रहा है यहाँ पर भी x है तो x हम कॉमन ले सकते हैं किस तरीके से one plus two lambda x प्लस यहाँ पर देखिए one plus three lambda वाई प्लस जेड की टर्म्स देखिए वन प्लस फोर लेमडा जेड एंड लास्ट माइनस वन एंड माइनस फाइव लेमडा इक्वल्स टू जीरो अब इसके बाद हमें यहां पर जो कॉफिशियंट हैं वो क्या हैं आपके वन माइनस वन एंड वन इनको हम सेटिस्फाई कराएंगे अपने एक्स वाई एंड जेड के थ्रू तो अगर यहाँ पर ये प्रतिचेदन है तो इसे सेटिस्फाई करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे वन करेंगे वाई की वैल्यू हमारे पास माइनस वन होगी एंड जेड की वैल्यू आपके पास वन होगी तो अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड वैल्यूज वन प्लस टू लेमडा इंटू वन प्लस वन प्लस थ्री लेमडा इंटू माइनस वन प्लस वन प्लस फोर लेमडा इंटू वन इक्वल टू जीरो ओके okay? यहाँ पर अगर इनसे सॉल्व करें वन प्लस टू लेमडा एज इट इज यहाँ पर आप चेंजेस देखेंगे तो माइनस वन माइनस थ्री लेमडा प्लस वन प्लस फोर लेमडा जीरो एंड वन से वन कैंसिल आउट यहाँ पर आप फोर प्लस टू सिक्स माइनस इट मीन प्लस के थ्री लेमडा टू माइनस वन लेमडा टू माइनस वन बाय थ्री अब अगर लेमडा की वैल्यू आ चुकी है तो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं तो इक्वेशन नंबर वन इसे मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है जिसमें हमें लेमडा की वैल्यू को पुट करना है तो यहां पर लिखेंगे कि लेमडा का मान समीकरण एक में रखने पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन एंड ब्रैकेट प्लस अब आपको सिंपली सिंपल इसको सॉल्व करना है क्या करेंगे यहां पर आप देख लीजिए जो थ्री है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड माइनस के थ्री इंटू वन इज माइनस थ्री एंड माइनस के यहां पर 2x एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर जेड प्लस फाइव ये जो माइनस है ये सारे साइन को अपोजिट कर देगा माइनस के प्लस प्लस के माइनस तो यहाँ पर 3x है यहाँ पर 2x है इट मीन x. 3y वाई एंड थ्री वाई इट इज जीरो वाई एंड थ्री जेड माइनस के z माइनस थ्री इट मीन प्लस फाइव प्लस के टू इक्वल्स टू जीरो तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड प्लस टू इक्वल्स टू जीरो और यही हमारी आंसर है ओके तो हमने क्या किया है सबसे पहले हमने यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट पकड़ा था वो ये था कि हमारे पास जो पहला समतल है प्लस लेमडा दूसरा समतल इक्वल्स टू तो जीरो होगा और फिर उसके बाद जो हमें लास्ट में जो तल दिया गया था उसके हमने वन माइनस वन वन का यूज किया पॉइंट्स का और उसे करा एक्स, वाई, की से क्लियर और फिर वहां पर हमारी क्या वैल्यू आ गई की वैल्यू। और की और जैसे ही आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें समतल दिया गया है प्लेन आपको गिवन है और दो प्लेन के प्रति छेदन तथा इतने से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख भी रहा है तो सबसे पहले क्या करना है जो दो आपको प्लेस दिए गए है, उनकी हैं उनकी हम हेल्प लेंगे फर्स्ट है आर वैक्टर डॉट आई वैक्टर जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू सिक्स सेकेंड इज आर वैक्टर डॉट टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप

एंड आपको डी क्या दिया गया है सिक्स सिमिलरली एन टू वैक्टर क्या गिवन है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप एंड वैल्यू दी गई है वो है माइनस की फाइव ओके तो हमने कंपैरिजन किया हमारी प्लेन की इक्वेशन से और हमें मिली है एन वन वैक्टर एन टू वैक्टर एंड डी वन एंड डी टू क्लियर अब हमें करना क्या है जो हमारा जो थर्ड प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या है आर वैक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2 यही तो आपने पढ़ी थी कि हमारे पास अगर थर्ड प्लेन plane, दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जा रहा है तो हमारे पास रिजल्ट होगा r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2 इसी की हेल्प लेंगे यहां पर तो हम कहेंगे n1 और n2 की वैल्यू को यहां पर पुट करना है क्या आएगा r वेक्टर एज इट इज डॉट एन वन की वैल्यू है i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लगाएंगे लेमडा टू i कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप एंड डी वन डी टू की वैल्यूज को अरेंज करेंगे तो डी वन इज सिक्स माइनस फाइव लेमडा अब यहां पर क्या करना है आपको जो i कैप है वो कॉमन दिख रहा है i कैप j कैप एंड k कैप तो इनको हम कॉमन लेंगे आर वैक्टर डॉट यहां पर वन है वन प्लस टू लेमडा आई कैप प्लस वन प्लस थ्री लेमडा जे कैप वन प्लस फोर लेमडा के कैप ये सिमिलर रहेगा ठीक है अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो पॉइंट है क्या था वो पॉइंट हमारे पास जो प्रतिच्छेदन पॉइंट है वो है वन 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 ठीक है तो वन 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 को हमें क्या करना है सेटिसफाई कराना है और सेटिसफाई किस तरीके से कराएंगे कि हमारी लेमडा की वैल्यू मिल जाए इट मीन आई जे और के की वैल्यू को हमें क्या रखना है वन 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 इट मीन्स अगर पॉइंट वन वन एंड वन है तो हम कह सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप या तो ये बोलिए या फिर ये बोलिए इट मीन्स इन दोनों का मतलब एक ही है तो हमारे पास जो पॉइंट है इनसे कराने पर आर वैक्टर डॉट वन प्लस टू लेन इक्वल्स टू सिक्स माइनस फाइव लेमडा एंड यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास वन प्लस टू लेमडा वन प्लस थ्री लेमडा

Lambda की वैल्यू हमने फाइंड कर ली अब लेमडा की जैसे ही वैल्यू फाइंड होती है तो हम क्या कहेंगे हमारे पास ये जो वैल्यू थी कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की इसको हमने क्या किया है यहां पर पुट किया है देखिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आर वैक्टर की जगह आप इस वाली वैल्यू को डालिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आप इस तरीके से डालिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट पे आई कैप जे कैप एंड के कैप ये एज इट इज रहेंगे अब हम क्या करेंगे यहां पर डॉट प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं तो हमारे पास स्केलर वैल्यू आएगी ये तो डेफिनेटली आपको पता है अब हम कहेंगे वन इंटू वन प्लस टू लैम डॉस वन मतलब हमने यहां पर ये अपनाया है अगर आपको वो समझ नहीं आया कोई बात नहीं आप इससे कर सकते हैं कि हमारे पास जो R की वैल्यू है वो हमने पुट की एंड दोनों के जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो मैंने डायरेक्ट वहां पर कर दिया था कि हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू है थ्री बाय है ओके okay? अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे हम अपनी वैल्यू को पुट करेंगे हमारी कोई भी इक्वेशन ले लीजिए तो हम मान लेते हैं हमारे पास ये जो इक्वेशन है थ्री इसके अंदर पुट करेंगे तो समीकरण तीन में लेमडा का मान रखने पर समीकरण तीन में लेमडा मान रखने पर ओके एंड लेमडा की वैल्यू क्या है थ्री बाय फोर्टीन तो सबसे पहले हमें देखना होगा हमारे पास इक्वेशन थर्ड क्या है इक्वेशन थर्ड कहती है आर वैक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस की वैल्यू वैल्यूज थ्री बाय फोर्टीन टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप इक्वल्स टू सिक्स माइनस फाइव इंटू थ्री बाई फोर्टीन क्लियर अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो इट पर देख है जो 14 है ये तो पूरे हॉल से तो देन सिक्स आई कैप प्लस नाइन जे कैप प्लस ट्वेल्व के कैप इक्वल टू सिक्स माइनस फिफ्टीन बाई फोर्टीन आर वैक्टर एज इट इज हमारा चलेगा और यहाँ पर अगर सिंपलीफाई करें तो आपकी वैल्यू मिलेगी आई कैप वाली जो वैल्यू थी उन्हें ऐड कीजिए यहाँ पर 14 प्लस 6 इज 20 आई कैप यहाँ पर आप देख रहे हैं 14 जे है एंड 9 जे है तो दोनों वैल्यूज क्या होंगी ऐड होंगी इट मींस 23 जे कैप एंड यहाँ पर 14 प्लस 12 14 प्लस 12 26 के कैप इक्वल्स टू आपकी वैल्यू इज 69 ओके okay? यहाँ पर 69 वैल्यू आ गई अब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास रिजल्ट है आर वेक्टर डॉट 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप इक्वल्स टू 69 आंसर ओके okay? तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट था वो क्या था देखिए सबसे पहले आपको जो थर्ड प्लेन की equation अगर याद है, तो आप क्या करेंगे दोनों की की करेंगे एंड एंड आपको always given होंगे, and D1, D2, आपको होंगे होंगे। उन दोनों values को N की और D की दोनों values को put करेंगे और वहां पर आप सिंपलीफाई करने के लिए थोड़ा easy बनाने के लिए जो आई कैप जे कैप एंड के उनको आप एक साथ लिखिए जैसे यहां पर लिखिए वन प्लस टू लेर दैट हम क्या करेंगे जो भी हमें पॉइंट दिया गया है चाहे पॉइंट दे चाहे आपको इस वैक्टर फॉर्म में दे तो आप क्या करेंगे वहां से आर वैक्टर की या जो भी सेटिस्फाई कराना है आपको करेंगे तो यहां पर हमने क्या किया आर वैक्टर की वैल्यू पुट की आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और यहाँ पर हमने जब डोट प्रोडक्ट को किया तो हमारी लेमडा की वैल्यू गई

ट्वेंटी आई कैप प्लस ट्वेंटी थ्री जे कैप प्लस ट्वेंटी सिक्स के कैप इक्वल्स टू सिक्सटी नाइन ठीक है अब आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू